और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी घमासान पर चुनाव आयोग में थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है, तो वहीं लखनऊ में भी सीएम आवास के बाहर अखिलेश समर्थकों ने नारेबाजी की। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साइकिल पर कब्जे की लड़ाई लगातार देखी जा रही है। चुनाव आयोग को आज इस मामले पर सुनवाई करनी है और ऐसे में दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नारेबाजी की है उनके समर्थन में। और दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां पर अखिलेश के समर्थकों ने नारेबाजी की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई है। मुलायम ने भी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उनसे बात की और इसके बाद मुलायम सिंह चुनाव आयोग के दफ्तर चले गए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर भी उनके समर्थन में नारेबाजी की उनके कार्यकर्ताओं ने और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और उसके बाद सीधे वो चुनाव आयोग की तरफ चले गए। तो दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले यहां कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने हौसला बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और उसके बाद सीधे वहां से चुनाव आयोग के दफ्तर चले गए। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई के लिए मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग आज ये फैसला सुना सकता है कि साइकिल चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, मुलायम सिंह यादव को या फिर अखिलेश यादव को। चुनाव आयोग आज मुलायम और अखिलेश दोनों खेमों की दलीलें सुनेगा और दलील सुनने के बाद इस पर फैसला होगा कि आखिरकार साइकिल किसके हिस्से में आएगी या फिर साइकिल को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो थोड़ी देर में चुनाव आयोग इस पर सुनवाई शुरू करेगा और दोनों पक्षों के वकील जो हैं पहुंच चुके हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं, उनके साथ शिवपाल यादव पहुंचे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश खेमे की तरफ से रामगोपाल यादव भी पहुंच चुके हैं और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे, जिसके बाद दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग इस पर फैसला देगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रामगोपाल यादव यहां पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग के दफ्तर और उनके साथ नरेश अग्रवाल भी हैं, जो वक्त वक्त पर अखिलेश का साथ देते रहे हैं और लगातार ये कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं और उन्हीं की समाजवादी पार्टी है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, यूपी की सियासत के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं, रामगोपाल यादव भी पहुंचे हैं वहां। जी बिल्कुल दिव्या, यूपी के की सियासत के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी के भाग्य का फैसला आज चुनाव आयोग कर देगा, ऐसी यहां पर चर्चाएं हैं। मुलायम सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल आज पहली बार सामने होंगे, उस वक्त जब से इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा चल रहा है और मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए और यूपी चुनाव में फायदे के लिए आखिरी कोशिश की है। उन्होंने आज कभी अपने घर से निकलने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर भी बात की है और दोनों के बीच में ये बात हुई। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनसे कह दिया कि 3 महीने का आप समय दीजिए, ना पार्टी भागी जा रही है ना मैं भागा जा रहा हूँ, 3 महीने बाद सब कुछ आपका है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं 1 घंटे भी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहने दूंगा, ये कहकर मुलायम सिंह यादव ने फोन काट दिया। जिस वक्त दोनों नेताओं के बीच में ये बातचीत चल रही थी उस समय मुलायम सिंह यादव के कुछ करीबी थे, वो उनके साथ थे, उन्होंने मुझे ये बताया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव सीधे चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंच गए, प्रोफेसर रामगोपाल भी उनके आने से 2 मिनट पहले पहुंचे और दोनों ही पक्ष अपना अपना जो पक्ष है वो चुनाव आयोग के सामने मजबूती से रखेंगे। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी कल शाम के वक्त ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि उनके सामने 3 विकल्प हैं जिन पर अभी
पूरी तरह से जांच की जा रही है और उनको ही ध्यान में रखकर फैसले लेना पहले है। पार्टी का संविधान जो कि मुलायम सिंह यादव का मजबूत पक्ष है और उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जिसके साथ बहुमत होता है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर भी हमें कई बातें सोचने होती है। इसके अलावा विचारधारा, समाजवादी पार्टी की, इन सब तीनों चीजों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं फैसला सुना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वक्त बहुत कम बचा है चुनाव के अधिकारियों के सामने, क्योंकि अमर सिंह कुछ दिन पहले ये कह चुके थे चुनाव आयोग से कि जो हलफनामे प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से दाखिल किए गए हैं 1 लाख से ज्यादा वो हलफनामे हैं और पेपर्स हैं उनमें काफी फर्जी है, लेकिन अगर चुनाव आयोग उनकी वेरिफिकेशन कराने लगा तो काफी वक्त गुजर सकता है, तो ऐसे में चुनाव आयोग फैसला नहीं भी ले सकता है। कुल मिलाकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का झगड़ा कभी रुकता है और कभी एकदम से आगे बढ़ जाता, ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग में बिल्कुल सस्पेंस इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग की इस पर सुनवाई शुरू करेगा। अनुराग, आप बने रहिए, मैं साथ में लौटूंगी आपके पास। तो इस बीच खबर यह भी है कि मुलायम सिंह और अखिलेश की फोन पर बातचीत हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात पर अड़े रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने कहा कि 3 महीने मुझे दे दो, लेकिन मुलायम ने अखिलेश का फोन काट दिया और सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। और अनुराग चड्ढा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, चुनाव आयोग के दफ्तर जाने से पहले भी सुलह की कोशिशें हुई, यानी कि वक्त वक्त पर चीजें काफी सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन समाधान निकलता नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। जी बिल्कुल दिव्या, समाजवादी पार्टी में जो कलह चल रही है उसको सुलझाने के लिए पार्टी के कई वफादार नेता लगे हैं। कुछ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी आज मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे और उन्होंने दोनों नेताओं के बीच में बात कराई। उसके बाद मुलायम सिंह ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं ही रहूंगा, ही यूपी में जो समाजवादी पार्टी के सारे फैसले आप लीजिए, टिकट आप बांटिए, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी समझौता हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कह दिया कि जो अधिवेशन हो चुका है ऐसे में उस अधिवेशन के फैसले बदलना ठीक नहीं होगा, 3 महीने आप मुझे दे दीजिए और पार्टी भी आपकी मैं भी आपका। लेकिन मुलायम सिंह ने कहा कि मैं 1 घंटे भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी जगह आप रहो। तो उसके बाद मुलायम सिंह ने फोन काट दिया और वो सीधे चुनाव आयोग के ऑफिस आ गए। बिल्कुल अनुराग, जैसे कि लगातार हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि पल पल हालात बदल रहे हैं, तो क्या 3 चीजें हो सकती है? एक तो ये कि डिसाइड कर दे चुनाव आयोग कि किसको ये सिंबल दिया जाना है, दूसरा ये कि सिंबल को फ्रीज कर दे, और तीसरा ये कि दोनों पक्षों में से कोई ये पिटीशन वापस ले ले, ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर मुलायम सिंह यादव अपनी पिटीशन वापस लेते हैं या प्रोफेसर रामगोपाल अपनी पिटीशन वापस लेते हैं तब तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, फिर तो चुनाव आयोग में किसी तरह का केस को कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ऐसे में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है क्योंकि मुलायम सिंह का जो एटीट्यूड है वो बेहद इस वक्त वो काफी गर्म मिजाज में है। उनका ये कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, समाजवादी पार्टी उनकी है, उन्होंने अपनी मेहनत से ये पार्टी खड़ी की है, तो ऐसे में अपनी पार्टी का हक भला वो किसी और को कैसे दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में वो कहते हैं कि उनका हक इस पर जरूर है, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी कोई और चला रहा है, रिमोट कंट्रोल कोई और है, कहीं और से डायरेक्शन आते, कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है प्रोफेसर रामगोपाल यादव बिल्कुल, तो दोनों ही खेमे अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें सिर्फ 3 महीने का वक्त दे दिया जाए, उसके बाद वो सब कुछ उन्हें सौंप देंगे। अनुराग, आप बने रहिए, मैं साथ में लौटूंगी आपके पास। तो वहीं चुनाव आयोग में चल रही सुनवाई पर एसपी नेता जूही सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग जो फैसला सुनाएगा वो दोनों गुटों के लिए ठीक होगा। तो वहीं राजेंद्र चौधरी का कहना है कि यूपी की जनता चाहती है कि अखिलेश दोबारा सीएम बने। जो चीज नहीं होनी होती है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि नेताजी का आशीर्वाद जरूर हमारे साथ, सक्रिय आशीर्वाद रहेगा, और समाजवादी पार्टी की और उनकी जो विचारधारा है, उनके काम है, उसी को लेकर हम आज तक आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगे बढ़े हैं और उसी को लेकर हम और आगे बढ़ते रहेंगे। आपने कहा 1 जनवरी को सम्मेलन हुआ था, आज वो भी तय होगा कि वो वैध है या अवैध है? हाँ, प्रश्न यही है कि वो वैध है या अवैध है, और उसी पर नेताजी ने प्रत्यावेदन दिया है चुनाव आयोग में। हमारे तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी उस प्रत्यावेदन का जवाब दिया है, अपना पक्ष रखा गया है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह चुना गया। निर्णय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है, निर्णय वो सारे पक्षों को देख कर लेगा और हम भी निर्णय का इंतजार ही कर रहे हैं। संबल तो एक चुनाव निशान होता ही है, लेकिन इस चुनाव में अखिलेश जी सबसे बड़े सिंबल हैं और
उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है, जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी निशान होगा अखिलेश जी का, उसी को वोट मिलने वाला है। सर, कुछ चुनौती होगी इस बार इलेक्शन? चुनौती तो सांप्रदायिकता की है और जातिवादी जो ताकतें हैं वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित किया जाए, लोकतंत्र के साथ वो खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की बहुत जागरूक है। तो समाजवादी पार्टी में अब लगातार एक कोशिशें की जा रही थी कि सुलह हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि मामला कहीं से भी सुलझता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते अभी पूरा मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है। और आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि चुनाव आयोग इस पर सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद शुरू करेगा। और दिल्ली और लखनऊ की दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के समर्थन में नारेबाजी की है उनके कार्यकर्ताओं ने। दूसरी तस्वीर लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश के समर्थन में उनके कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। तो दोनों ही खेमे ये चाहते हैं कि उनके नेता वही बने। और हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से रिएक्शन भी ये आ रहा है कि जो चुनाव आयोग जो भी फैसला देगा वो उन्हें मंजूर होगा।